कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के बैजनाथपुर पुलिस शिविर क्षेत्र के सपहा से रामपुर गांव जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग में नहर पर बनी पुल जो है जर्जर हो चुकी है, जिससे अब तक कई वाहन चालक दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई लोग भयंकर दुर्घटना में अपना पैर भी गंवा चुके हैं, जिस पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और प्रशासन मौन बन के बैठा हुआ है। यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट बराबर और एक्सीडेंट होता है। अब तक में आपके हिसाब से कै गो हुआ होगा? कम से कम इस साल में तो 8-10 तो हो गया होगा। अच्छा, उसमें मौत कितने की हुई होगी? मौत तो नहीं हुआ है सर, लेकिन पैर कट गया, किसी का उंगली कट गया, किसी का कुछ हो गया, कोई नहर में डूब गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, इस सड़क मार्ग से दिन भर में कितने गाड़ी आती जाती होगी? दिन में तो कम से कम हजारों 2000 तो कम से कम गाड़ी चलती होगी, मोटरसाइकिल बाद बाकी ट्रक है, बहुत गाड़ियाँ जाती आती। अच्छा, ट्रक भी चलता। जिले के नल जल पंप ऑपरेटर ने अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर स्टेडियम परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और समारोह पर प्रदर्शन करते शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं संघ जिलाध्यक्ष ललन कुमार ने कहा कि पंप ऑपरेटरों की समस्याओं का समाधान अत्यावश्यक है और समाधान होने के बाद ही लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकेगा। सर, ये बिहार सरकार का ये योजना जो है पंचायती राज विकास अधिनियम के अंतर्गत यह जल नल योजना जो है बिहार सरकार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में हम लोग सब पंप ऑपरेटर के साथ जो है संवेदक के द्वारा शोषण किया जा रहा है। शोषण किया जा रहा है कि हमको मनरेगा के तहत भी हम पंप ऑपरेटर को वेतन नहीं दिया जा रहा है समय समय पर। मामला यह है, विभाग और संवेदक के मिली भगत होने के कारण हमारे पंप ऑपरेटर बंधु को किसी का 1 साल का, किसी का 1.5 साल का राशि जो है ना कुछ भी नहीं दिया जाता है। दूसरा हल्ला इस बात का है कि हम लोगों को भिखारी के तरह 1000, 1500, 2000 दे करके फटकार लगाया जाता है। हल्ला इस बात के लिए है कि सरकार के द्वारा पूरे जो है घोषित है कि हम हर जन को शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे, लेकिन कहीं भी पूरे बिहार में किसी गांव में जाके आप लोग देखिए, कहीं भी शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। मामला है कि बिहार सरकार के वर्तमान नीतीश कुमार जो सरकार में अभी है, जिनकी यह महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार का महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर घर शुद्ध पानी पिलाने की जी बात सरकार बोल रही है, बार बार जनता के बीच आकर के बोल रही है, वह उसी योजना को लेकर के हम लोग आज पंप ऑपरेटर। पीरपैंती नगर पंचायत के चांदपुर गांव में नल जल योजना की टंकी बनाई गई थी, जो लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी। वहीं ग्रामीणों ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि को शिकायत की थी, 2 महीनों से पानी नहीं आ रही है, जिसके बाद वार्ड के सदस्यों ने टंकी पर चढ़कर देखा तो कई जगह से टूटी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि टंकी के लिए जो राशि उपलब्ध कराई गई थी, कहीं उसमें महाघोटाला तो नहीं किया गया है? अब देखना है कि नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करती हैं। हुआ था, फिर लग रहा है किसी को रिपेयरिंग करके लगा दिया, 3-4 जगह फिर वही हालत फूटा हुआ है। और जहाँ तक पता चला है 1 महीना से पानी ही नहीं है चांदपुर में। जहाँ तक पता चला है 55,000 रुपये में इस टंकी को 5,000 लीटर का चढ़ाया गया है। ये 2022 वाला टंकी है, लोकल टंकी ला के लगा देता है हमेशा।
वो अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी, अध्यक्ष साहब को दी। हाँ दी अध्यक्ष साहब को। अध्यक्ष साहब क्या संतावना दी? बोले उस पर कार्रवाई होगी। और उपाध्यक्ष से भी बात हुआ? नहीं, उपाध्यक्ष का ही कॉन्टेक्ट है ये। नवगछिया अनुमंडल के मध्य विद्यालय कोसकीपुर के हेड मास्टर पर ग्रामीणों ने मनमानी करने का आरोप लगाए हैं और अनियमित व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीण एक जगह जमा हुए। फिर जिलाधिकारी भागलपुर के कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन देकर शिकायत की। नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र इलाकों में दो लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पहली घटना बेन थाना क्षेत्र इलाके के धोबड़ी गांव और सिकड़ी पर गांव के बीच अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूल जा रही छात्रा को पीछे से ठोकर मार दिया, जिसमें छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना मानपुर थाना क्षेत्र इलाके के मेहमतपुर गाँव की है, जहाँ घर से सामान लेने निकले युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अच्छा, इधर से जा रहा था, बाएं साइड पीछे से मार दिया। अच्छा, कहाँ पे घटना हुई है? सिकड़िया मोड़ पर। अच्छा, कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? सिकड़िया बेन थाना पड़ता है। बच्ची कहाँ जा रही थी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? स्कूल जा रही थी। कौन क्लास में? नौवां पढ़ती है बच्ची। तो इसकी मौत स्पॉट पे हो गई। कितने बजे के करीब घटना है? 7 बजे। सुबह 7 बजे करीब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार ने व्यवहारगिरी पर्वत पर लगी आग लगी की घटना का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद सीएम ने 10 मिनट तक राजगीर की पंच पहाड़ियों का हवाई निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान मीडिया कर्मियों को राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जाने से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुधवार को राजगीर में व्यवहारगिरी पर्वत पर लगी आग घटना को लेकर अधिकारी एवं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होनी थी, जो कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए अचानक रद्द कर दी गई। बता दें कि गुरुवार को सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर आएंगे और व्यवहारगिरी पर्वत पर हुई आग लगी घटना की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे। जो हम लोग को मालूम हुआ था, उसमें चिट्ठी नहीं आई थी, कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी और सीएम साहब को आना था कि 1 बजे हम लोग आएंगे, लेकिन गर्मी के कारण हो सकता है आज प्रोग्राम कैंसिल हुआ। कल सुबह 8 बजे आने वाले हैं, ये मालूम हुआ। क्या कार्यक्रम था 8 बजे आने के लिए? सब लोग जानते हैं कि पहाड़ पर गर्मी के में आग जो लग गया था, उस पर और कुछ समीक्षा बैठक उठक करना था उनको जिले के विकास के सवाल पर। अभी पूरे बिहार में 44 डिग्री के कारण क्यों वो नहीं आ पाए? हो सकता है। नालंदा जिला के अंतर्गत वीना थाना क्षेत्र इलाके स्थित डेंडन कॉलेज के पास हाइड्रा ट्रक ने सुरक्षा प्रहरी विक्की सिंह को कुचल दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बढ़ैया इलाके के विक्की सिंह के रूप में की गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डेंटल कॉलेज में कार्यरत सभी सुरक्षा प्रहरी भड़क उठे। लोगों ने आरोप लगाया कि घटना इतने देर हो जाने के बावजूद डेंटल कॉलेज का कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा। फिलहाल प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 20,000 का मुआवजा राशि मिलने के बाद घटना स्थल पर से शव को उठाया गया। पुरानी घटना हुआ। तुम्हें क्या कोठी को चला इनको? क्या चीज? क्या चीज से घटना हुआ है? ये हाइड्रा है, हाइड्रा से घटना हुआ है। तो क्या मांग क्या आप लोग का? मांग इसका जो मुआवजा है सरकार तरफ से, वो मुआवजा मिल सके। कोई देखने को नहीं आया है इनको? नहीं, कोई नहीं आया है अभी तक। कोई अधिकारी लिया के चाहे कोई के नहीं स्टाफ आए, न जीएम न सीएम, कोई नहीं आया। काम कुछ में कर रहे थे? ये भी कंपनी है, सिक्योरिटी गार्ड है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in
देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूं कहें तो अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। जहां बीती रात अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा के आसपास बाइक सवार अपराधियों ने एक गल्ला व्यवसायी को गोली मार दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मैं नीलेश राज करके एक गल्ला व्यवसायी हैं। उनके दुकान पर करीब 7 बजे के आसपास में 2 अपराधकर्मी उनके दुकान में प्रवेश किया हथियार के साथ और उनका काउंटर से पैसा वगैरह लिया है और पैसा देने में कुछ विरोध किए हैं तो उनको गोली भी मार दिया है। जख्मी हो गए तो जिनका इलाज के लिए SKMC लाया गया था वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है। खबर गया से है, जहां नक्सली संगठन माओवादी ने बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। बता दें कि 20 और 21 अप्रैल को नक्सलियों का 48 घंटे का बंदी का ऐलान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बल चौकस हुए हैं। झारखंड के चतरा में 5 नक्सली नेताओं के मारे जाने को झूठा मुठभेड़ बताकर भाकपा माओवादी द्वारा इस महीने में फिर से 2 दिवसीय बंदी बुलाई गई है, जो इस महीने की 14-15 अप्रैल को बंदी नक्सलियों द्वारा आहूत की गई थी। बिहार में एक बार फिर से अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच पुलिस जिला नवगछिया के बिहारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरचक्का गांव के सामने NH 31 पर दिन दहाड़े अपराधियों ने बाइक सवार से 3 लाख रुपए लूट लिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। करीब इस जगह घटना घटा है 11:40-45 यही। अच्छा, क्या हुआ फिर आपके साथ? लेके भाग गया। कौन आदमी था? कौन हम उसको जानते? क्या चीज से था? मोटरसाइकिल से था, हाफ पैंट पहना था। कितना आदमी था? 2 आदमी। कैसे लूटा आपसे? वो आया और सटा के जल्दी से निकालो पैसा। आप अकेले थे? हम अकेले। आपके साथ कोई? भागलपुर बिहार के सबसे बड़े सृजन घोटाले में CBI की 2 सदस्य टीम भागलपुर पहुंची। वहीं कोर्ट के आदेश पर टीम के द्वारा पुलिस के साथ अमित कुमार और मनोरमा देवी के 4 मकानों पर ढोल बजाकर 82 का नोटिस चस्पा किया गया। इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर के मकान पर भी टीम के द्वारा 82 का नोटिस चस्पा किया गया। अमित कुमार और रजनी प्रिया घोटाले के बाद से ही फरार है। वहीं बैंक मैनेजर सुमित कुमार पिछले 6 महीने से फरार हैं। वहीं CBI के DSP ने बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार में शराबबंदी के 6 साल बीत गए। ऐसे में शराबबंदी कानून को सख्त बनाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत है, लेकिन शराब माफिया लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिनों बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, तो वहीं मुआवजे के विरोध में विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भागलपुर बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एवं उनके कार्य पर विस्तार पूर्वक रणनीति बनाने के लिए कार्य करते हुए समय अवधि को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं बाढ़ व सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों के कई पदाधिकारियों के बीच वर्चुअल बैठक की, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। इसी बाबत आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित में समीक्षा भवन में भी जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक के अलावा कई पदाधिकारियों के बीच इस पर चर्चा की गई।
भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने लू और कोरोना को लेकर भी अस्पताल मैनेजर से जानकारी ली। वहीं उन्होंने अनुमंडल अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट एवं अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस का जांच किया, जिसके बाद एसडीओ उत्तम कुमार ने पाई कमियों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। बचाव के लिए हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए विभाग से कुछ दिशा निर्देश है। हॉस्पिटलों को कोई भी व्यक्ति हीट वेव से प्रभावित होते हैं उसको तत्काल उपचार के लिए एक कमरा एसी युक्त बनाया जाना था। हम लोग उसका भी निरीक्षण किए हैं तो उसमें कुछ कमी पाई गई है। हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा कहा गया है कि उसको एक घंटे के अंदर ठीक कर लिया जाएगा। एम्बुलेंस में भी एसी को चालू स्थिति में रखा जाना है, उसमें ऑक्सीजन। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के बिनवालिया पंचायत का एक ऐसा हिंदू परिवार जो विगत 35 वर्षों से पंचायत में दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हुए समाज में आपसी भाईचारे का संदेश देता है। ये पूरा परिवार मिलकर रोजेदारों को इफ्तार देता है ताकि समाज में अमन चैन बना रहे। इस इफ्तार से पूरे परिवार को खुशी मिलती है। इफ्तार के आयोजन में पंचायत के सभी पार्षद और ग्रामीण शामिल रहे। एक साथ मिलकर हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने रोजेदारों की सेवा की है। संदेश देना चाहेंगे। हम लोग इस कार्य को कम से कम 35 वर्ष करते आ रहे हैं। ये भाईचारा का संबंध रहता है, इसमें हिंदू लोग सब कुछ रहते हैं, भाग लेते हैं। ये सब नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। हमारे पिताजी जब हम लोग बचपन में थे, श्री सुरेंद्र किशोर सिंह जी, तो हम लोग बहुत छोटे थे, तब से ही स्टार्ट किए थे काम। छठ में होता है और ये रमजान के पावन समय पर होता है, और इससे हम लोगों को मन का संतुष्टि मिलता है। और हमारे दरवाजे पर 10 लोग आता है, हम हमारे पूरे परिवार को, हमारा भाई है, छोटा भाई। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।